दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वर्कआउट और साथ ही एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप गिन के केवल 30 दिन यानी कि एक महीने भी फॉलो कर लेते हो तो आपके सिक्स पैक यानी कि आपके एब्स इतने अच्छे खासे विजिबल होने लग जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाने वाले हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है और एक एक वर्कआउट और सभी बातों को ध्यान से समझना है। तो मैं आपको वर्कआउट बताने से पहले उस ड्रिंक के बारे में बता देता हूँ जो कि आपके एब्स को बहुत तेजी से निकालती है। तो देखिए, आप जैसे ही सुबह उठते हो इसके बाद आपको फ्रेश हो जाना है और फिर आपको एक गिलास हल्का गर्म पानी लेना है, एकदम हल्का, और उस गर्म पानी में आपको 2 चम्मच शहद यानी कि हनी मिलाना है और उसके बाद आपको नींबू का आधा टुकड़ा लेना है और उसे अच्छे तरीके से उस पानी में निचोड़ देना है और फिर उसे अच्छे तरीके से एक बार मिलाना है और घूट घूट करके उसे पी जाना है। देखिए ये ड्रिंक करती क्या है कि आपके एब्स के ऊपर जो फैट जमी है उसे ये बहुत तेजी से बर्न करने लगती है। और इसके बाद अभी मैं आपको जिन वर्कआउट के बारे में बताने वाला हूँ उसे आप करने लगते हो तो आपके एब्स बहुत जल्दी ही उभर के बाहर आते हैं। तो अब आते हैं अपने वर्कआउट के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 1, एल क्रंचेस। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पे अपने पीठ के बल लेट जाना है और फिर अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए एक एल का शेप क्रिएट करना है और इसके बाद अपने सिर को जमीन से ऊपर उठाना है और अपने हाथों से अपने पैर को छूना है। ध्यान रहे कि इस एक्सरसाइज को आप झटके के साथ ना करें बल्कि आराम आराम से करें, अपने कोर पे, अपने एब्स पे प्रेशर देते हुए। और एक आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अभी मैं आपको जितने भी सारे वर्कआउट के बारे में बताऊंगा उन सारे वर्कआउट को आपको गिन कर नहीं लगाना है। यानी कि जैसे आपने इस एक्सरसाइज को शुरू किया तो आपको इस एक्सरसाइज को उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि आपका बॉडी जवाब ना देने लग जाए, यानी कि अपने बॉडी के पूरे इंड पोजीशन तक जाना है। देखिए ये जो तरीका है ना, ये आपके एब्स को निकालने का सबसे ज्यादा बेस्ट और जबरदस्त तरीका माना जाता है। यानी कि कोई भी एब्स का वर्कआउट करो और उसे अपने बॉडी के इंड पोजीशन तक ले जाओ, यानी कि इतने दूर तक करो कि आपसे और एक रेपिटेशन ना लगे। एक्सरसाइज नंबर 2, बाइसाइकल क्रंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको जमीन पर सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है और अपने सिर को जमीन से ऊपर रखना है और फिर अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये आपके अपर और लोअर दोनों एब्स को बनाने के साथ साथ आपके ऑब्लिक्स को भी बनाती है और जिससे आपके एब्स को एक अच्छा खासा लुक मिलता है। तो इस एक्सरसाइज को तो आपको जरूर ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 3, फ्लटर किक। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर लेट जाना है और अपने सिर को जमीन से ऊपर उठाना है और फिर अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए अपने बॉडी का बैलेंस बनाना है और अपने पैर को स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके से आपको किक करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, सीजर किक। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लोअर बैक को जमीन पर रखते हुए अपने हाथ और पैर दोनों को जमीन से ऊपर और स्ट्रेट रखते हुए अपने दोनों पैरों को सीजर की तरह लेफ्ट एंड राइट करना है। यानी कि जिस तरीके से कैंची को किया जाता है उसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, वी अप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोस्चर में लेट जाना है और फिर अपने हाथ और पैर दोनों को एक साथ उठाते हुए आपस में टच करना है और अपने कोर मसल्स को स्क्वीज करना है, उसे टाइट करके रखना है। तो देखिए ये एक्सरसाइज भी आपके एब्स को बहुत जल्दी उभारती है। तो इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। और हाँ, और एक बात का ध्यान रखें कि आप इस एक्सरसाइज को ज्यादा झटके के साथ ना करें। एक्सरसाइज नंबर 6, ट्रक क्रंचेस। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले हिप्स के सहारे जमीन पर बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपको अपने अपर बॉडी और अपने नी को एक साथ लाना है और कुछ इस तरीके का आपको पोस्चर परफॉर्म करना है। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात कि मैं अभी आपको जितने भी सारे एक्सरसाइज के बारे में बताया
उन सारे एक्सरसाइज को आप ब्रीथिंग के साथ करें, यानी कि श्वासों के साथ करें। ऐसा करने से आपको इसका और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 7, वी सिट विद प्लेट रोटेशन। देखिए, इस एक्सरसाइज को भी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हिप्स के सहारे जमीन पर बैठ जाना है और इसके बाद अपने नी को थोड़ा सा मोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर आना है और फिर आपको अपने हाथों में किसी भी एक छोटे से वेट को उठा लेना है। आपके पास अगर कोई वेट ना हो तो आप ईंट को भी ले सकते हो और फिर आपको उस ईंट को या फिर प्लेट को अपने बॉडी के लेफ्ट एंड राइट कुछ इस तरीके से आपको लेकर आना है और इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके एब्स की जो लाइनिंग होती है उसे बनाती है और साथ ही साथ आपके ऑब्लिक्स को भी निकालती है। तो ये 7 तरह के एक्सरसाइज थे जिसे आप अच्छे तरीके से करते हो तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके एब्स विजिबल होने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फास्ट फूड यानी कि तेल से बने चीजों को एकदम खाना बंद कर देना है। नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।